हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी की बेटी नियति की शादी हुई थी। नियति शादी को लेकर काफी चर्चा में रही थी, इसलिए नहीं कि वो दिलीप की बेटी है बल्कि अपने बालों को डाई ना करने और ग्रे हेयर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई। नियति को लोगों ने ये कहते हुए ट्रोल किया कि ग्रे बालों को कम से कम शादी के दिन तो डाई कर लेती। लेकिन अब दिलीप जोशी ने बेटी के सफेद ग्रे बालों को नहीं छुपाने के फैसले पर चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को एक सीख दी है। उन्होंने कहा है कि बेटी का यह फैसला उनके लिए कभी कोई मुद्दा था ही नहीं। दिलीप ने हमारे सहयोगी ई टाइम से बात करते हुए कहा, उसका अपने सफेद बालों को जस का तस रखने वाली बात हमारे लिए कभी शादी के लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे। इस पर तो हमारे घर पे कभी बात भी नहीं हुई थी। जो जैसा है ठीक वैसा ही रहना चाहिए। हर किसी ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया था और मुझे खुशी है कि उसके कदम ने दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दी। मुझे लगता है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही दुनिया के सामने आना चाहिए, ना कि कोई मास्क लगाकर। शुरुआत में लोगों ने उसके बारे में बातें करने शुरू की। वो लो प्रोफाइल रहना पसंद करती है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छी बात ये रही कि उसके इस कदम ने काफी लोगों को प्रेरणा दी है और ये एक अच्छी बात है। आपको बता दें कि दिलीप की बेटी नियति हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रही है। वहीं दिलीप की बात करें तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लीड किरदार जेठालाल से घर घर में पहचाने जाते हैं। वहीं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया से की थी। वो कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन टीवी उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते 12 साल से भी ज्यादा टाइम से लगातार चल रहा है और अभी भी दर्शकों को पसंद आता है। वही दिलीप जोशी से जब हाल ही में पूछा गया कि क्या वो कभी तारक मेहता का शो छोड़ सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, ये एक कॉमेडी शो है और इसका हिस्सा बने रहना मजेदार है। जब तक मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ शो करता रहूंगा। जिस दिन ये एहसास होने लगेगा कि मैं अभी इसे एंजॉय नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हालांकि दिलीप ने यह भी बताया था कि उन्हें कई दूसरे शोज के भी ऑफर मिलते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जब एक शो अच्छा चल रहा है तो वो कुछ और क्यों करें।